अभी जो आप थंबनेल देख रहे हैं यूट्यूब के लिए, इसको कैसे बनाएंगे वो भी एक फ्री सॉफ्टवेयर से। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए और वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। दोस्तों पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको उसमें जिस भी फ़ोटो को आप बनाना चाहते हैं उस फोटो को सेलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों याद रखें कि फ़ोटो का साइज़ जो रखना है 16:19 का रेशियो पे ही रखना है, जो अधिकतर यूट्यूबर सभी उसी पे बनाए जाते हैं। तो दोस्तों आपको एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है या बैकग्राउंड जिस भी चीज़ पे आप बनाना चाहते हैं। मैं बैकग्राउंड पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद आपको इसे क्रॉप कर लेना है। क्रॉप टूल में जाने के बाद आपको 19:16 का रेशियो ले लेना है और उसे क्रॉप कर देना है। क्रॉप करने के बाद उसको राइट पे क्लिक करेंगे। क्लिक हो जाने के बाद आपको एडिट फोटो पे क्लिक करना है। एक बार क्लिक करने के बाद आपको बैकग्राउंड फिर से ले लेना है। मैं इस बैकग्राउंड को ले लेता हूँ। इस बैकग्राउंड को लेने के बाद अगर आपके किसी साइट पे अगर टेक्स्ट रूट है तो उसे आप क्रॉप करके हटा लेंगे। इस प्रकार से आप क्रॉप कर लेंगे छोटा उसे, और एडजस्ट करने के बाद आपको उसे टेढ़ा कर लेना है ताकि उसे जमाने में बढ़िया बने और प्रोफेशनल तरीके से आपका थंबनेल है वो बने। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको कर लेना है, अच्छे से सेट कर लेंगे। करने के बाद अगर आप उसमें PNG फोटो लगाना चाहते हैं या लोगो लगाना चाहते हैं उस ले लेंगे अपने गैलरी से। दोस्तों ये ब्लैक शेडो है, इसको साइड में लगाने से जो थंबनेल है वो हैवी प्रोफेशनल लगने लगता है। तो इसको पहले सेट कर लेते हैं। और दोस्तों इसमें आप टेक्स्ट लिख लेते हैं जिस भी टॉपिक पे आपका थंबनेल है, कुछ भी आप टेक्स्ट लिख सकते हैं जिस पर आपका वीडियो है। दोस्तों हम ये टाइप कर रहे हैं थंबनेल बनाएं और राइट क्लिक कर देंगे और इसे क्रॉप करने से ये टेक्स्ट बोल्ड होके छोटा हो जाएगा और उसे आसानी से सेट कर लेंगे। और टेक्स्ट में आप आसानी से कलर फिल्टर कर सकते हैं जो काफ़ी देखने में अच्छा लगने लगता है। इसमें रेड कलर का हमने अप्लाई कर दिया है और कॉर्नर पे वाइट रख देते हैं। दोस्तों आपको अगर PNG लगाना है डाउनलोड करके ऑनलाइन, तो आप डाटा चालू कर लेंगे और जाएंगे अपने स्टिकर पे या गैलरी से भी ले सकते हैं अगर आप डाउनलोड करके रखे होंगे तो।
दोस्तों, ये हमने PNG ले लिया है, अपना फ़ोटो और एक इमोजी ले लिया है और इसे सेट करेंगे अपने थंबनेल पे। तो दोस्तों, ये हमने ले लिया है और इसे अपने थंबनेल पे अच्छे से सेट कर लेंगे ताकि प्रोफेशनल लगने लगे। आपको अच्छे से देख लेना है और सेट कर लेना है PNG को। छोटा बड़ा करके आपको देख लेना है। दोस्तों, हम लोग PNG ले लेते हैं स्टिकर। PicsArt का हम कुछ टेक्स्ट लोगो ले लेते हैं ताकि थंबनेल जो है वो अच्छा दिखने लगे। ये हमने फोटो सेलेक्ट कर लिया है। और इसे अच्छे से सेट कर देते हैं। दोस्तों, टाइप कर लेते हैं हम लोग कुछ शब्द, जैसे PicsArt से बना रहे हैं तो उसका नाम दे देते हैं PicsArt। PicsArt से प्रोफेशनल लोगो कैसे बनाएं, ये हमने टाइप कर दिया है और इसे सेट कर लेंगे हम लोग। कलर फिल्टर भी कर देते हैं। ये रहा, हमने कलर ले लेते हैं अब। दोस्तों, आप कुछ भी PNG लगा सकते हैं, जिस प्रकार से ले सकते हैं PNG PicsArt का। तो हम यहाँ टेक्स्ट PicsArt का PNG ले लेते हैं और इसे सेट कर लेते हैं किनारे पे। दोस्तों, इस प्रकार से आप आसानी से वीडियो के लिए थंबनेल बना सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि इसी प्रकार से वीडियो